हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ सेवन में। तो फ्रेंड्स, गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं और गर्मियों में जो छोटे बच्चे होते हैं या जिनकी पहली गर्मी होती है, उनका एक्स्ट्रा देखभाल की ज़रूरत होती है। अगर गर्मियों में हम अपने बच्चे की ठीक से केयर नहीं करते हैं, कुछ मिस्टेक कर जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे बच्चे को हीट रैसेस होना, घमौरियाँ होना, दाने निकलना, लाल लाल चकत्ते पड़ना, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान होता है, बच्चे को डायरिया भी हो जाता है गर्मी में, बुखार भी हो जाता है, और हम बार बार डॉक्टर का चक्कर लगाते हैं, लेकिन लास्ट में रिजल्ट क्या होता है कि इतना मतलब दिक्कत होने के बाद हमारा बच्चा जो है उसका वज़न घट जाता है, बच्चा बहुत वीक हो जाता है, फिर उसको रिकवर होने में समय लगता है। तो फ्रेंड्स, आप ऐसी गलती ना करें। आज इस वीडियो में हम पेरेंट्स के 8 मिस्टेक बताएंगे जो हमारे पेरेंट्स गलती कर जाते हैं और बच्चों को भुगतना पड़ जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक पेरेंट्स हैं और फर्स्ट टाइम बन रहे हैं तो ये वीडियो तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे ज़रूर देखें और आप वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में हम आपको एक इम्पॉर्टेंट टिप्स बताएंगे। अगर आपका बच्चा छोटा है तो आपके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। तो फ्रेंड्स, जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं, अगर वो 6 महीने से छोटे हैं तो उन्हें किसी भी हाल में पानी नहीं देना है, क्योंकि जो माँ है वो ब्रेस्ट फीड करा रही है और ब्रेस्ट फीड में मतलब दूध में 70% पानी होता है, जो हमारे बच्चे की पानी की पूर्ति कर देता है। अगर अलग से हम अपने बच्चे को पानी पिलाएंगे तो बच्चे का जो पेट है फ्रेंड्स, वो बहुत छोटू सा होता है, तो बच्चे का पेट भर जाएगा। क्या पता चलेगा कि पेट भर गया तो बच्चे ने दूध नहीं पिया तो बच्चे का वज़न घट जाएगा। तो इसी वजह से हमें हमारे बच्चे को पानी नहीं देना है। कभी कभी फ्रेंड्स, ऊपर से पानी पिलाने से बच्चे को इन्फेक्शन भी हो जाता है, तो 6 मंथ तक पानी नहीं देना है। लेकिन अगर हमारा बच्चा 6 मंथ से ऊपर है तो हमें उसे 1-1.5 घंटे के अंदर थोड़ी थोड़ी पानी देते रहना है, लेकिन हमें यह ध्यान देना है कि वो पानी बहुत ज़्यादा चिल्ड ना हो, फ्रीज से निकला हुआ ना हो, नॉर्मल वाटर हो। तो फ्रेंड्स, मतलब बच्चे को हमें पानी 6 महीने से नीचे नहीं देना है, 6 महीने से ऊपर थोड़ा थोड़ा देना है। हम बच्चे को अपने लिक्विड फॉर्म भी दे सकते हैं, जैसे हम बच्चे को नारियल पानी दे सकते हैं, छाछ दे सकते हैं, बच्चे को नींबू पानी दे सकते हैं, ये भी हम बच्चे को दे सकते हैं। फ्रेंड्स, क्या होता है कि हमारे बच्चे को कुछ ऐसे साइन होते हैं जिससे हमें मतलब वो नहीं करना चाहिए, मतलब इग्नोर नहीं करना चाहिए। वो साइन अगर बच्चे के अंदर दिख रहा है तो हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। क्या होता है, अगर हमारे बच्चे का जो शरीर है वो थोड़ा थोड़ा रूखा लग रहा है, या उसकी जो स्किन है वो फट रहे हैं, या सूखे लग रहे हैं, तो आप समझ लीजिए बच्चे में पानी की कमी है, बच्चे में डिहाइड्रेशन हो रहा है। फ्रेंड्स, हमारा बच्चा अगर दिन भर में 6 से 8 बार यूरिन नहीं कर रहा है, मतलब पेशाब नहीं कर रहा है, या रात में 3 से 4 बार नहीं कर रहा है, तो आप जानिए कि बच्चे में पानी की कमी है, इसीलिए बच्चा इतना नहीं कर रहा है, क्योंकि नॉर्मल बच्चा 6 से 8 बार टॉयलेट करता ही है। तो फ्रेंड्स, आप इसको इग्नोर ना करें, आप ध्यान दें। अगर आपके बच्चे में कोई भी साइन दिख रहा है तो फिर आप उसे मतलब फुलफिल करें, बच्चे को बार बार पानी देते रहें, बार बार नारियल पानी दीजिए, जूस दीजिए, जितना लिक्विड डाइट है, बच्चा आपका बड़ा है तो दीजिए, छोटा है तो हर 1.5 घंटे में ब्रेस्ट फीड कराइए। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कि गर्मी के मौसम में हमें हमारे छोटे बच्चे को डायरेक्ट पंखा, एसी, कूलर के सामने नहीं सुलाना है, क्योंकि जो एसी उसका हवा होता है या कूलर का हवा होता है हमारे बच्चे को नुकसान कर जाता है, जिससे बच्चे को सर्दी जुकाम बहुत ज़्यादा हो जाता है। और हमारा बच्चा अगर महीने में 2 बार सर्दी जुकाम से पीड़ित रहेगा तो फिर उसका डेवलपमेंट अच्छा कैसे होगा है? बच्चा हमेशा कमज़ोर रहेगा, उसका वज़न भी घट जाएगा, बच्चा अदर बच्चों के मुकाबले वीक भी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप ऐसी गलती ना करें। गर्मी बहुत पड़ी है, ठीक है, बच्चे को फ़ैन रूम में चल रहा है, आप बच्चे को सुला सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि टेबल फ़ैन डायरेक्ट बच्चे के मुँह के पास लगा के सुला दें, बिल्कुल ऐसी गलती नहीं करना है। अगर आपके घर में एसी है तो आप ये ध्यान दीजिए कि एसी का जो टेम्परेचर हो वो 24 से 27 के ही बीच में हो, बहुत ज़्यादा ना हो ना बहुत लो हो। फ्रेंड्स, अगर आप अपने बच्चे को एसी वाले या कूलर वाले कमरे में रख रहे हैं, आप दूसरे कमरे में ले जा रहे हैं, तो आप 10 मिनट उसी कमरे में रह के एसी कूलर बंद कर दीजिए, 10 मिनट आप रहिए, ताकि वहाँ का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सही हो जाए, उसके बाद बच्चे को आप दूसरे रूम में लेके जाइए, फिर बच्चे को कोई प्रॉब्लम सर्दी जुकाम नहीं होगा। क्योंकि डायरेक्ट जब बच्चा एसी वाले रूम से निकल के अदर रूम में जाता है या बाहर जाता है, तो ऐसे में बच्चे को फिर दिक्कत हो जाती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कि हमें हमारे बच्चे को 10 बजे से लेकर 4 बजे तक बाहर धूप में बिल्कुल भी नहीं ले जाना है, क्योंकि ये धूप बहुत ही तीखर होता है और बच्चे को अगर लग जाती है तो फिर बच्चे को बार बार पॉटी आना, डायरिया होना, बच्चे को बार बार उल्टी करना, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, बच्चे को डिहाइड्रेशन की भी समस्या हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि बच्चा बार बार उल्टी करेगा, पॉटी करेगा, तो वैसे ही पानी की कमी हो जानी है, तो ऐसे ही छोटे बच्चे को फिर पानी चढ़ाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको अपने छोटे बच्चे को बाहर नहीं ले जाना है, अवॉइड करना है 10 से 4 के बीच में। और अगर किसी कारणवश कभी आप लेके जा रहे हैं तो आप नॉर्मल कॉटन का कोई अंगोछा तौलिया लीजिए, जिससे बच्चे का शरीर सर से लेके पैर तक ढकिए। फैंसी टोपी मत लगाइएगा सर पे कि आपने टोपी लगा दिया और बच्चे को पूरे बॉडी पे धूप लग रहा है, नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है।
आप अंगोछे से बढ़िया से ढक के ले जाइए। और अगर आपका बच्चा 6 महीने से बड़ा है तो अपने साथ में पानी वानी रखिए ताकि बच्चे को थोड़ी थोड़ी देर पे आप देते रहिए, लेकिन कोशिश करिए कि आप ले ही ना जाएं, उसको अवॉइड करें। आप अपना काम सुबह या शाम में बाहर का कर लें। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कि जब भी आप अपने बच्चे को जो कपड़ा चयन कर रहे हैं वो कपड़ा थोड़ा ढीला ढाला होना चाहिए। बच्चे को कॉटन का कपड़ा पहनाइए। आपको ये भी ध्यान देना है कि बच्चे का जो साइज है, अगर हमारा बच्चा 6 महीने का है तो उसे 1 साल का कपड़ा पहनाइए, क्योंकि कपड़ा ढीला ढाला होना चाहिए। एक नंबर बड़ा हो, कॉटन का हो, लाइट कलर हो, क्योंकि जो डार्क कलर होंगे या बच्चे का जो कपड़ा होगा पॉलिस्टर रेयान, क्योंकि फैंसी कपड़े आजकल बहुत चले हुए हैं, लोग पहना भी लेते हैं, आप ऐसी गलती ना करें। अगर आप पहनाएंगे तो कहीं ना कहीं जाके बच्चे को फिर प्रॉब्लम होगी, और जिसकी वजह से फिर वही होगा कि हीट रैसेस हो जाएगा, शरीर पर दाने चकत्ते होना शुरू हो जाएंगे, तो आपको प्रॉब्लम होगी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कि अगर हमारे बच्चे को हीट रैसेस हो गया है या फिर आप बाहर ले गए किसी कारण और दाने चकत्ते शरीर पे हो गए हैं, तो आपको ये ध्यान देना है कि जहाँ जिस जगह पे हुआ आप पाउडर नहीं लगाएंगे, क्योंकि मैंने देखा है गांव में लोग पाउडर लगा देते हैं, लगता है बच्चा आटा में से निकल के आ रहे हैं। तो ऐसा गलती आप बिल्कुल भी मत करिएगा। घमौरी भी हो जाए तो बच्चे को पाउडर वहाँ पे मत लगाइएगा, उस प्लेस पे पर्टिकुलर, मान लीजिए कि गर्दन पे हुआ तो आपको पाउडर नहीं लगाना, क्योंकि अगर आप पाउडर लगा देंगी तो उसके जो छिद्र हैं जहाँ से पसीना निकलता है वो बंद हो जाएगा और फिर वहाँ पे दाने और फोड़े हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको उस जगह पे क्या करना है कि मुल्तानी मिट्टी का लेप लगाना है, आपको एलोवेरा जो जेल है उसको लगाना है। 10-15 मिनट आप लगा के रखिए, उसके बाद आप धुल दीजिए। आप 2 से 3 बार लगाएंगे तो आपको फ़र्क अपने आप नज़र आएगा कि बच्चे का जो घमौरी या हीट रेसेज वाला एरिया है वो ठीक हो चुका है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कि गर्मी के मौसम में हम अगर बच्चे की मालिश कर रहे हैं तो हमें सही तेल का चयन करना है। ऐसा नहीं कि गर्मी का मौसम चला तो हम मालिश ना करें, हमें मालिश करना है, लेकिन ये ध्यान देना कि हम किस तेल से कर रहे हैं। तो वो तेल ठंडी तासीर वाली होनी चाहिए। गर्मी के मौसम में आप नारियल के तेल से करें, सबसे ज़्यादा वेस्ट है बच्चों के लिए। आप मालिश कर दें, दिन में कम से कम 3 से 4 बार मालिश करें, और जब भी आप मालिश कर रहे हैं दोपहर वाला जो समय है उसमें आप बच्चे को आधे घंटे बाद, मालिश के आधे घंटे बाद बच्चे को नहला दें। नहला देंगे तो बच्चा आपका बिल्कुल फ्रेश फील करेगा और अच्छी नींद लेके सोएगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कि गर्मी के मौसम में हमें बच्चे को डायपर नहीं पहनाना है, हमें अवॉइड करना है, क्योंकि फैशन में लोग कि बच्चा सुसु ना कर दे 24 घंटा डायपर पहना रहे हैं। नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं करना है। आपको बच्चे को गर्मी के मौसम में नैपी पहनाइए, कॉटन का लंगोट पहनाइए, पैंट पहनाइए, लेकिन डायपर अवॉइड करिए। डायपर आप रात में एक बार पहना दीजिए, लेकिन आपको ये भी ध्यान देना है कि एक डायपर बच्चा पूरी रात ना पहना रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पसीना होता है जिसकी वजह से सीलन होगा, और सीलन की वजह से बच्चे को फिर वहाँ पे दाने निकल जाएंगे और खुजलाहट हो जाएंगे, रैसेस हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ऐसी गलती आप ना करें। आप एक बार रात में उठ के अपने बच्चे का डायपर बदलिए, और डायपर बदलते समय वहाँ पे एक रैसेस क्रीम आता है, आप उसको लगा दीजिए, उसके बाद डायपर बदलिए, तो फिर बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होगी। और दिन भर आप लंगोट जो कॉटन का होता है उसे यूज करिए। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कि गर्मी के मौसम में आपको अपने बच्चे को जो भी, अगर आपका बच्चा 6 मंथ से बड़ा है तो मौसमी फल जो भी आ रहे हैं, खरबूज, तरबूज, मैंगो, लीची और खीरा, ये सारी चीज़ें आपको अपने बच्चे को देनी है। इससे बच्चे के अंदर पानी की कमी नहीं होगी, बच्चा बढ़िया रहेगा और बच्चे का पेट भी साफ रहेगा। आप चने की सत्तू भी दे सकते हैं, आप जौ की सत्तू दीजिए। ये सारी चीज़ें आप बच्चे के डाइट में अगर शामिल कर देंगे दिन में एक बार, कम से कम ये सारी चीज़ों में से कोई एक चीज़ बच्चे को मिलना चाहिए। इससे बच्चे का जो है गर्मी लू नहीं लगेगी, बच्चे का डिहाइड्रेशन वाली समस्या भी नहीं होगी, और बच्चे को आराम से डाइजेस्ट हो जाएगा, और बच्चे का पेट भी भर जाएगा और न्यूट्रिशन भी मिलेगा। तो आप इसको ज़रूर शामिल करिए। और आप इसके साथ साथ ये ध्यान दीजिए कि बच्चे को ऐसी कोई भी फल आप नहीं खिलाएंगे जिसकी तासीर गर्म होती है। अगर आप आम खिला रहे हैं तो आम आप रेगुलर बेस पे नहीं खिलाएंगे, आप हफ्ते में 2 बार खिला सकते हैं। बाकी और चीज़ें आप कभी भी खिलाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कि हमें हमारे बच्चे को, अगर बच्चा हमारा 6 मंथ से ऊपर है तो तुरंत ताज़ा बना हुआ खाना बच्चे को देना है। ऐसा नहीं कि हमने सुबह का खाना दोपहर में 2 बजे दे दिया, ना, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इतनी गर्मी है बच्चे को फिर वो फूड जो है वो नुकसान कर जाएगा और बच्चे को बहुत ज़्यादा उल्टी उल्टी होने लगेगा, तो फिर ऐसे में बच्चे में पानी की कमी हो जाएगी, बच्चा हमारा बीमार पड़ जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमें क्या करना है कि जब भी हम बच्चे को खाना दे रहे हैं 2 घंटे से ऊपर हो गया तो आप नेक्स्ट कुछ और बना के बच्चे को दे सकते हैं। और जो भी मौसमी सब्जियां आ रही हैं वो आप बच्चे की डाइट में ज़रूर शामिल करो, बच्चे के लिए बेहतर होता है। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान देना है कि जो हमारा बच्चा 8 महीने 10 महीने का हो जाता है तो हम बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो अपने बच्चे को भी खिला देते हैं, लेकिन नहीं, आपको बाहर का खाना बच्चों के लिए अवॉइड करना है, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा तेल मसाला होता है और गर्मी के मौसम में बच्चों के लिए ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप जो भी बच्चे को दीजिए, आप कोशिश करिए कि कम तेल कम मसाले में या फिर बिल्कुल सादा बना हुआ भोजन हो। फ्रेंड्स, ये थे हमारे पॉइंट्स जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे, कि आपको ऐसी गलती नहीं करना है। आपको जैसे मैंने बताया बिल्कुल आप उस तरीके से रहेंगे तो आपके बच्चे की गर्मी अच्छे से बीत जाएगी। अब बात करते हैं इम्पॉर्टेंट टिप्स की।
जो मैंने बताया कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपका जानना है। अगर आपका बच्चा छोटा है तो सबसे पहले फ्रेंड जो हमने बताया कि आपको मौसमी फल देना है, लेकिन आपको उसको देने से पहले 1 घंटे पानी में भिगो देना है। वो पानी में भीगा रहेगा, उसके बाद आप बच्चे को देंगे तो उसकी गर्मी निकल जाएगी और बच्चे को नुकसान नहीं करेगा, वो ठंडक पहुँचाएगा तो बच्चे के लिए बेहतर होगा। सेकेंड है फ्रेंड्स, अगर आपका बच्चा 1 साल से छोटा है तो आप इसे आइसक्रीम बिल्कुल भी ना दें। अगर 1 साल से बड़ा है तो आप हफ्ते में 2 दिन आइसक्रीम दे सकते हैं या 1 दिन दे सकते हैं, क्योंकि आइसक्रीम में चीनी मिली होती है जो बच्चों के लिए ठीक नहीं है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा हमारा वीडियो, आप लोग कमेंट में बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।